आप देख रहे हैं आर राष्ट्रीय न्यूज चैनल। हम बताएंगे आपको राष्ट्र की बात हक में, क्योंकि हमें है हक बेबाक कहने का। मैं किस चीज का ज्ञापन दिए थे आज जो है सिंधी कैंप स्थित कुछ जो है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा शराब बिक्री के संबंध में ज्ञापन दिया गया है, जिसमें इन्होंने मांग किया है कि रहवासी क्षेत्र में जो दुकान है उसकी वजह से काफी वहां पे न्यूसेंस उत्पन्न हो रहा है, लोग शराब वहीं से खरीदते हैं और झूमते हुए जाते हैं, जिससे महिलाओं को भी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, और ये सब चीज़ें जो है बंद हो जाएं या फिर दुकान वहां से अन्यत्र कहीं प्रतिस्थापित हो जाए ताकि वहां के क्षेत्रवासियों को जो है कोई समस्या ना है। इसमें हमने ज्ञापन स्वीकार किया है और पुलिस की कार्रवाई जो भी लीगल एक्शन बनता है वो कार्रवाई लगातार की जाएगी, इसके लिए हमने जो है प्लान भी बना लिया है। सुबह शाम वहाँ पे हम पुलिस की ड्यूटी लगाएंगे और जो भी यदि झूमते हुए जाएंगे न्यूसेंस कार्य करते हैं या रोड ब्लॉक होता है तो उस पर हम कार्रवाई करेंगे, और क्षेत्र में अन्य भी जो भी समस्याएं हैं हमने उनको बोला है कि लगातार जो है पुलिस उनके संपर्क में रहेगी, और भी अन्य जो भी जो मदद चाहते हैं पुलिस की क्षेत्र में सुधारने के लिए जो भी बन सकता है हम पूरी कार्रवाई करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे क्षेत्र को अच्छे से अच्छा बनाएं। हमारा जिसमें प्रमुख रूप से हमारे मंडला अध्यक्ष भाई राजीव दीवान जी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष अभिषेक चंदेल जी, एमआईसी सदस्य गुलाम हुसैन जी और समस्त कांग्रेस परिवार के द्वारा आज हनुमानताल थाने में हमारा चूंकि कार्यक्रम घेराव का था, परंतु थाना प्रभारी महोदय जी ने राजद दीवान जी से आग्रह किया कि आप अपनी बात हमारे समक्ष रखें और एक हफ्ते के अंदर हम आपकी जो भी समस्याएं हैं उनका निराकरण करने का पूरा प्रयास करेंगे, और उन्होंने बिल्कुल आश्वासन दिया है एक हफ्ते में यदि हमारी जो मांगे हैं वो अगर पूरी नहीं हुई तो फिर पूरा कांग्रेस परिवार उग्र आंदोलन करेगा। हमारी जो प्रमुख मांग की बात थी सिंधी कैंप कलारी, जहाँ पर शाम से लेकर के सुबह तक और दो तीन बजे रात तक एक तो अवैध शराब की बिक्री होती है, शराब दुकान का जो समय है समय लिमिट के बाहर भी शराब बेचते हैं, बीच रोड पर राहगीर आने जाने वालों को परेशानी होती है, शराबी शराब लेता है बीच रोड में गाड़ी घोड़ी करता है, इससे आने जाने वालों को भारी परेशानी हो रही है, गली गली शराब पिलाई जा रही है, गली गली अभी शराब का विक्रय हो रहा है, इन सब बातों को लेकर के आज हमने बिल्कुल नॉर्मल तरीके से थाना प्रभारी महोदय जी को ज्ञापन दिया और उनने हमारी बातों को ध्यानपूर्वक सुना, यदि शीघ्र उनने अगर हमारी समस्या का निदान नहीं किया तो आने वाले समय उग्र तरीके से पूरे क्षेत्र में शराब दुकान को लेकर के पूरे मोहल्ले में आने जाने वाले राहगीरों को माँ बहनों को परेशानी हो रही है, क्योंकि शराब की दुकान के बाहर निकल करके शराबी जो है कि गिलास में डिस्पोजल में लेकर के शराब पीते और आने जाने वालों को परेशानी हो रही है। इस वजह से हम लोग जो है आज पूरे शांतिपूर्ण तरीके से थाना प्रभारी